एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आप सभी का अपने YouTube चैनल वन टू वन क्लासेस पे। आप हैं मेरे साथ यानी कि आपके अपने दोस्त नितेश बजाज के साथ। दोस्तों स्पीयर्समैन रैंक कॉरिलेशन दोस्तों हमारा चल रहा है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th स्टैटिस्टिक के लिए। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया कि जब रैंक रिपीट नहीं होती तो रैंक कॉरिलेशन कैसे निकालते हैं। आज बात चलेगी इस बारे में कि जब नंबर्स या रैंक रिपीट होंगी तो कॉरिलेशन कैसे निकलने वाला है। शुरू करते हैं दोस्तों आज के सफर को। आज का हमारा टॉपिक आप लोग जानते हैं, टॉपिक का नाम है स्पीयरमैन रैंक कॉरिलेशन। और एक कंडीशन एक्स्ट्रा इसके अंदर और आ गई कि आज रैंक रिपीट होने वाली है तो कैसे होगा। चलिए एक बार छोटे से दोस्तों क्वेश्चन के साथ समझते हैं। आपके सामने जज एक्स है, जज वाई है, ठीक है। जज एक्स ने पार्टिसिपेंट्स को, पार्टिसिपेंट्स है मान के चलते हैं ए बी सी डी ई एफ जी, ठीक है। तो ये कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं, 7 पार्टिसिपेंट्स हैं, इनको मार्क्स दिए 5, 7, 5, 8, 6, 5, 2, ठीक है। ये मार्क्स दिए गए हैं जज एक्स के द्वारा। आपके सामने लिखे हैं मार्क्स दोस्तों, एक बार फिर पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए। मार्क्स है 5, 7, 5, 8, 6, 5, 2। अब बात करते हैं जज वाई की। जज वाई ने भी पार्टिसिपेंट को मार्क्स दिए हैं। क्या क्या मार्क्स दिए हैं चलिए देखते हैं। जज वाई थोड़े दिलेर प्रकार के हैं, क्या बात है। 9, 4, 6, 2, 3, 7 and 4 ये मार्क्स दिए गए हैं दोस्तों जज वाई के द्वारा। 9, 4, 6, 2, 3, 7, 4 क्या बात है, अच्छे मार्क्स है जज वाई, कीप इट अप, बहुत बढ़िया। अब अगर आप ध्यान से देखें तो एक्स वाले मार्क्स में भी कोई नंबर रिपीट हो रहा है, नंबर रिपीट हो रहा है 5, 5, 5। वाई में भी रिपीट हो रहा है 4, 4 रिपीट हो रहा है, रिपीट तो हो रहा है, पक्की बात है। तो जब नंबर रिपीट होंगे दोस्तों तो रैंक भी रिपीट होगी। अब समझते हैं ये क्वेश्चन को करना कैसे है। जैसे आप नॉर्मली करते आए थे करना वैसे ही है। सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिख देता हूं फिलहाल शुरू करने से पहले। आर के इक्वल्स टू 1 - 6 ब्रैकेट, बहुत जरूरी है, सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m1³ - m1 प्लस 1/12 m2³ - m2 एंड सो ऑन। ये 1/12 वाला सिस्टम दोस्तों चलता रहेगा जहां तक भी हमारा क्वेश्चन इसको लेके जाना चाहे वहां तक ये सिस्टम चलता रहेगा, रुकने वाला नहीं है। 1/12 m3 - m3 ऐसे करके चलते रहें तो कोई बात नहीं, ठीक है। फिलहाल शुरू करते हैं हमारे क्वेश्चन को। R1, ठीक है, R2, D आपको पता है दोस्तों, R1 - R2 और उसके बाद D का स्क्वायर बहुत अच्छे जानते हैं सभी लोगों ने। पिछले बड़ी वीडियो से बहुत अच्छे से सीख लिया है कि रैंक कोरिलेशन कैसे निकालते हैं। बस रैंक रिपीट हो रही है, कोई बात नहीं यार, ध्यान से देख लेंगे। चलिए आपके सामने कुछ नंबर्स हैं। सबसे पहली रैंक दी जाएगी सबसे हाईएस्ट मार्क्स 8, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। उसके बाद सेकेंड इसको, थर्ड इसको, ठीक है। अब रहेगी रैंक 4, 5, 6, रैंक 4, 5 और 6। इसको 4 रैंक दूं तो ये नाराज, ये भी नाराज, ठीक है। आपस में सब लड़ाइयां चल रही है कि भैया वैसे कायदे के हिसाब से एक को 4 रैंक, एक को 5 रैंक और एक को 6 रैंक मिलनी चाहिए, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ गई, तीनों के तीनों नंबर बिल्कुल सेम है, एग्जैक्टली सेम नंबर है। मैं किसी को भी ना तो ज्यादा बड़ी रैंक दे सकता हूं ना ज्यादा छोटी रैंक दे सकता हूं क्योंकि तीनों नंबर सेम हो गए। तो मैंने क्या करा, दूध का दूध पानी का पानी करने के लिए मैंने कहा कि हम तीनों नंबर को एवरेज रैंक देंगे। क्या रैंक देंगे, एवरेज, ठीक है। आपके सामने इनको जो रैंक जानी चाहिए वो जान चाहिए 4, 5 और 6, ठीक है। मैं इन तीन रैंक की एवरेज रैंक निकाल के ही इनको देने वाला हूं। एवरेज रैंक 4 + 5 + 6 15/3 दोस्तों, ये आ गया आपका कितना 5। तो तीनों के तीनों नंबर को 5 रैंक मिलने वाली है। इसको 5 रैंक, इसको 5 रैंक और इसको भी 5 रैंक,
ठीक है, इस बात से कंफ्यूज मत हो जाना यार बिल्कुल भी कि सर ने तो 5 के सामने 5 नंबर लिख दिया चुपचाप काम हो गया, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये बाय चांस ऐसा आ गया, मान लीजिए अगर इन 3 नंबर को रैंक मिलनी होती, बाय चांस इन 3 नंबर के पास रैंक आ रही होती, जस्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं 2, 3 और 4, तो 2, 3, 4 अपॉन 3 दोस्तों अगर मैं करता तो रैंक आती 3। ठीक है, तो मुझे कुछ नहीं है, मैं यही चाहता हूं कि आप कंसेप्ट को समझें कि जो भी रैंक देनी है उन रैंक की एवरेज रैंक ही आप देंगे। मान लीजिए रैंक इनके हिस्से में आ रही थी 6, 7 और 8, तो 6+7+8/3। ठीक है, हमेशा इसी बात को ध्यान रख के चलना है, भूलना बिल्कुल नहीं है, काफी इंपॉर्टेंट बात है, भूलेंगे बिल्कुल नहीं दोस्तों। ठीक है, अब फिलहाल 4, 5, 6 रैंक यूज हो चुकी है, बचा है 2, 2 के हिस्से में आएगी दोस्तों हमारी 7 रैंक, क्योंकि 4, 5 और 6 रैंक यूज हो चुकी है, मैं दोबारा रैंक यूज नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। अब 8 की बात करते हैं, सबसे बड़ा नंबर 9, पहली रैंक बहुत बढ़िया, उसके बाद दूसरी रैंक बहुत ही अच्छा, तीसरी रैंक, ठीक है ओके, फोर्थ और फिफ्थ रैंक के लिए नंबर में टाई है, 4 2 बार आ रहा है। ठीक है, कायदे के हिसाब से एक को 4 रैंक मिलनी चाहिए, एक को 5 रैंक मिलनी चाहिए, एवरेज निकालता हूँ, एवरेज आ गई 4.5, दोनों को 4.5 रैंक दे दो, 4.5 रैंक इसको और 4.5 रैंक इसको, 4, 5 रैंक यूज हो चुकी है, 4, 5 के बाद आता है 6, 6 रैंक इसको और लास्ट में 7 रैंक इसको दोस्तों। तो फाइनली हमारा R1 और R2 दोनों ही निकल चुका है, बहुत बढ़िया तरीके से हमने R1 R2 कंप्लीट कर लिया है और एक्यूरेट मैनर में ही कंप्लीट करा है। आराम से आप एक बार दोबारा से वीडियो को देखना चाहें कैसे कंप्लीट करा के आप देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। R1 R2 निकालने के बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं डी की तरफ, डी मीन्स डेविएशन, R1 और R2 की डेविएशन कितनी है फटाफट निकाल लेते हैं दोस्तों। 5 -1 4, 2 -4.5 -2.5, 5 -3 2, 1 -7 -6, 3 -6 -3, 5 -2 3 एंड 7 -4.5 2.5। अगर इसका टोटल करते हैं, वैसे मैंने आपको बताया भी था, अगर इसका टोटल करते हैं तो टोटल 0 आना चाहिए, एक बार देख लेते हैं, 4 और 2 6, 6 3 9 और 2 11.5, माइनस में भी देखो तो दोस्तों 11.5, टोटल 0 आ रहा है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, खैर हमें टोटल निकालना भी नहीं है। वैसे बता रहा हूं कि डी का जो टोटल आता है वो हमेशा 0 आता है, अगर डी का टोटल 0 आ रहा है इसका मतलब अपने रैंक में बिल्कुल ठीक तरीके से दिया है, और अगर डी का टोटल 0 नहीं आ रहा है तो भैया कुछ तो गड़बड़ है, और ऐसी गड़बड़ बिल्कुल नहीं करनी है, इसलिए आराम से एक बार देखो, दो बार देखो, 3 बार देखो, लेकिन माइंड को इस कंसेप्ट में इतने अच्छे से फोकस करा के चलो कि बिल्कुल क्लियर हो जाए कंसेप्ट, भूलने की कभी नौबत ही ना आए। ठीक है, तो डी ऑलरेडी आ चुका है, अब आपको चाहिए डी स्क्वायर, 4 का स्क्वायर दोस्तों होता है 16, सबको पता है, 2.5 का स्क्वायर 6.25, 2 का स्क्वायर 4, 6 का स्क्वायर 36, 3 का 9, 3 का 9, 2.5 का 6.25। अब दोस्तों इसका डी स्क्वायर का फटाफट टोटल निकाल लेते हैं ताकि हम लोग आगे अपना फॉर्मूला प्रोसीड कर पाए, टोटल करते हैं फटाफट, 16+4 20, 20+6 26.25, दैट इज 26 ले लेते हैं, एक बार 26 ले लेते, 26, 26 में 36 प्लस करें दोस्तों आ गया 62, 62 में 18, 9, 9, 18, 62+18 आ गया हमारा 80, 80 में 6 प्लस करें 86 और पॉइंट पॉइंट वाले को दोनों को मिला के आ गया हमारा 0.5, तो दोस्तों हमारा इसका टोटल आ गया 86.50, टोटल है 86.5, 86.5 टोटल आ चुका है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कैसे कैसे फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट करके करते हैं दोस्तों, जल्दी शुरू करते हैं फटाफट। हम लोग सबसे पहले फॉर्मूला लिख लिया हमने, आर के इक्वल्स टू 1 - 6 ब्रैकेट, डी स्क्वायर का टोटल दोस्तों हमारा 86.5, 86.5 ठीक है, प्लस 1/12 m1। अब ये m1 क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m1, m1 क्या है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, m1 क्या है। ठीक है, एक्चुअल में m1 का मतलब है कि हमारी JX वाली सीरीज जो थी इसमें नंबर जो रिपीट हुआ है वो कितनी बार रिपीट हुआ है, नंबर कौन सा रिपीट हुआ ये नहीं जानना, कितनी बार रिपीट हुआ है। अब देखो नंबर रिपीट होने वाला था 5 और कितनी बार रिपीट हुआ था, 1, 2, 3, 3 बार रिपीट हुआ था, तो M1 की वैल्यू दोस्तों हमारी, M1 की वैल्यू ऑटोमेटिकली, आई रिपीट, M1 की वैल्यू हमारी ऑटोमेटिकली 3 होगी दोस्तों, ध्यान रखे चलेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आई रिपीट अगेन, M का मतलब है रिपीटेशन ऑफ नंबर,
कितनी बार रिपीट हुआ है, नॉट द नंबर बट द रिपीटेशन मेड बाय द नंबर, कितनी बार रिपीट हुआ है एम की वैल्यू हमारा वो रहेगी। ठीक है, पहले मैंने एक्स वाली सीरीज में से देख लिया रिपीटेशन क्या है, फाइव किया कितने है थ्री, कोई और नंबर रिपीट हो रहा है नहीं हो रहा है। चलिए एम टू यहां से देख लेते हैं, एम टू वाई वाली सीरीज में से देख लेते हैं, कोई नंबर रिपीट हुआ है, हाँ बिल्कुल हुआ है, कौन सा हुआ है फोर, कितनी बार रिपीट हुआ दो बार हुआ है, तो एम टू की वैल्यू दोस्तों हमारी हो गई टू। तो एम वन एम टू की वैल्यू दोस्तों मैंने निकाल ली है, निकालना बहुत आसान है, आपको जे एक्स में से चेक करना है कितनी बार नंबर रिपीट हुए हैं, अगर एक्स में से रिपीटेशन खत्म हो गई तो वाई में से चेक कर लो कितनी बार नंबर रिपीट हुए हैं, बस और कुछ नहीं देखना है। अब फटाफट वैल्यू पुट करते हैं, 1 अपॉन 12, ठीक है, m1 की वैल्यू 3 है, 3 क्यूब माइनस 3 प्लस 1 बाय 12, 2 क्यूब माइनस 2, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज करते हैं दोस्तों, अपॉन n, n की वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, n हमारा 7 है दोस्तों, 7 का क्यूब माइनस 7, चलिए सॉल्व करते हैं इसको, 1 माइनस 6 ब्रैकेट 86.5 प्लस 1 बाय 12 इंटू 3 का क्यूब, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 9, 9 3 27 में से 3 गए, कितना बचेगा दोस्तों 24 प्लस 1 बाय 12 इंटू 2 का क्यूब 8, 2 2 जा 4 2 जा 8, सबको पता है 8 में से 2 गए 6, ब्रैकेट क्लोज करते हैं, अपॉन n 7, 7 इंटू 7 दोस्तों हमारा होता है 49, और 49 इंटू 7 भी अगर मैं करूंगा तो आएगा 343 दोस्तों आ गया हमारा क्यूब करके 7 का, माइनस 7 करना दोस्तों इसमें से, चलिए फटाफट देखते हैं क्या हो रहा है, इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों, 12 के टेबल में 24 आता है 2 और यहां पे आ गया 1 बाय 2 डेट इज 0.5, तो 86.5 प्लस 2 प्लस 0.5 343 में 7 के 336 हो रहा है भाई, कुछ तो हो रहा है यार, कुछ तो हो रहा है। चलिए फटाफट लास्ट स्टेप की ओर चलते हैं दोस्तों, हमारा लास्ट स्टेप हम लाने जा रहे हैं इसके अंदर, 1 माइनस 6 इंटू टोटल करते हैं 86.5 प्लस 0.5 87, 87 प्लस 2 89 अपॉन में 336, ठीक है, 336 दोस्तों हमारा आता है 6 के टेबल में, डिवाइड करते हैं क्या बैठेगा, 6 इंटू 5 5 30 और उसके बाद 6 56, तो दोस्तों हमारा जो कंक्लूजन आ रहा है इसका वो एंड कंक्लूजन यहां पे मैं लिख रहा हूं आपके लिए, आर के इक्वल्स टू 1 माइनस 89 अपॉन 56। तो दोस्तों 1 माइनस 89 अपॉन 56 को मुझे सॉल्व करना है, कैसे सॉल्व करूंगा, चलिए फटाफट 89 को 56 से डिवाइड करें तो हमारा आने वाला है दोस्तों क्या आएगा, सोचो सोचो सोचो, यह आएगा दोस्तों 1 माइनस 1.58, और 1 में से अगर मैं 1.58 को दोस्तों माइनस करता हूं तो मेरा बचता है आर के रैंक कोरिलेशन का आंसर दोस्तों मेरा आ रहा है माइनस का 0.58, तो दोस्तों ये है मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर 0.58। अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बढ़िया वाला, बहुत ही शानदार वाला इस वीडियो के लास्ट में दिया जाएगा, आराम से ठंडे दिमाग के साथ उसको सॉल्व करो और चेक करो कि सही आंसर आ रहा है या नहीं आ रहा है दोस्तों। तब तक के लिए इतना ही दोस्तों, जल्दी से सब्सक्राइब करिए आपके अपने YouTube चैनल 1 to 1 क्लासेस को दोस्तों, अभी सब्सक्राइब करिए।